अब हमको दिखाइए। देखिए अभी हम बनारस लोकसभा क्षेत्र के ककरहिया गांव में हैं दोस्तों, और लगातार चुनावी यात्रा हमारा जो है वो जारी है, और इस स्थान पे पहुंचे हैं जहां पे कुछ लोग लकड़ी का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना निकाला जिसके तहत लोगों को लोन दिया गया, और लोन के तहत लोग रोजगार कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी हैं वहाँ लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला, इस बारे में हम सीधे बातचीत करेंगे। अपने अपने काम में व्यस्त हैं, फिर भी बात करने का प्रयास करेंगे। आ जाइए थोड़ा। कौन सा गांव है ये चाचा? कौन सा गांव है ये? ये सरहरी। सरहरी, क्या काम हो रहा है यहाँ? लकड़ी को पल्ला का काम होता है, डिजाइन। अच्छा, मोदी जी विश्वकर्मा योजना निकाले हैं, लोन वोन मिला? कहा देता ने को पैसा के दे भैया, बा केहू नहीं दे ले, सब खा गए उनके कर्मचारी। सब उनके कर्मचारी खा गए? हाँ। कुछ नहीं दे ले? कुछ नहीं, फार्म भरे, हर चीज भर दी, कुछ नहीं यार। तो विश्वकर्मा योजना निकाले मोदी जी की, सबको योजना में योजना कुछ इधर आइए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र विश्वकर्मा। अरे इधर आइए, यहाँ सटिए थोड़ा। आप विश्वकर्मा हैं और विश्वकर्मा योजना आप ही लोगों के लिए मोदी जी ने निकाला? यार फार्म इसी जगह भरवाए, नहीं कुछ निकला। इसी जगह फार्म भरा है? भरा है, देख लीजिए। देखिए बगल में ही विश्वकर्मा जी काम कर रहे हैं, और बगल में ये है यहाँ पे जो है वो सहज जन सेवा केंद्र है, जहाँ पे इन्होंने फॉर्म भरवाया और इनको लोने नहीं मिला। ये मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है? नहीं मिला। नहीं मिला, अफसोस है इस बात का। फॉर्म नहीं मिला हमको। फॉर्म गया ब्लॉक, फॉर्म गया ब्लॉक पर, कहेगी सेक्रेटरी करेंगे तो वो करेंगे तो वो करेंगे, ले जाओ आगे ले जाओ, यही पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप कैसे माने? और चाहता सबको बढ़ा रहे। आइए आइए, और भी हमारे साथ कई लोग हैं, चलिए थोड़ा पीछे चलिए, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विश्वकर्मा योजना मोदी जी ने इन्हीं लोगों के लिए लाया और इन लोगों को नहीं मिला लोन, तो ये लोग बोल रहे हैं तकलीफ क्यों है सर आपको? ऐसा है, मिलेगा क्यों नहीं? जब हम उसके लिए जाएंगे, उनके पास पहुंचेंगे, तब तो मिलेगा। आप यहाँ बगल में खड़ा हुई, आप क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जैसे जिनके लिए जो योजना निकला है, जब उसके लिए प्रयास करेंगे, हम जाएंगे तब तो हमको मिलेगा। इधर आइए, इधर आइए। प्रयास करेंगे और जाएंगे तब लोन मिलेगा, यहाँ आइए। हाँ। भाई साहब कह रहे हैं कि ब्लॉक का चक्कर काटे हम। अरे ब्लॉक का नहीं, फार्म भराबा ने किया उसके लिए। ऐसी जगह से थोड़ी होगा फार्म, एक आदमी जो कि नहीं काम कर रहा है। हमने फार्म भरे, उसके बाद में ब्लॉक पर गए, ब्लॉक पर मतलब कि साहब बैठे थे, कोई बैठे थे, कहे जाओ प्रधान जी से साइन कराइए, और इसके बाद में सेक्रेटरी से साइन कराइए। प्रधान जी को फॉर्म दे दिए, सेक्रेटरी से कराए कि नहीं कराए, और चार दिन पहले बात किया तो कह रहे हैं कि अभी सेक्रेटरी साहब नहीं आ रहे हैं। बताइए क्या ये मोदी जी के क्षेत्र में ये सब हो रहा है? मोदी जी के क्षेत्र में कोई गड़बड़ी थोड़ी है, सब बढ़िया है। मोदी जी का जो कार्यकाल है वो अच्छा है, सब काम बढ़िया है, अब क्या चाहिए। नाम क्या है आपका? बसंत लाल पटेल। तो क्या जीत रहे हैं मोदी जी इस बार? अरे अच्छी तरह से जीत रहे हैं। मोदी जी यहाँ से जीत रहे हैं। वोट आप लोग देंगे? हाँ। वोट तो देंगे, वोट देंगे। लोन आपको मोदी जी ने दिया लेकिन वोट देंगे? हाँ वोट देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे? महंगाई उनके राज में नहीं, महंगाई कांग्रेस के ही राज में है। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, इनके राज में महंगाई नहीं है। 20 साल में 20% बढ़ा, और कांग्रेस के राज में 40% बढ़ गया। और का 22 की जगह 66 रुपया हुआ पेट्रोल डीजल। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 80-85 है, कोई 90 है, 95 तोड़ रहे हैं। इनका तो ठीक है, हर चीज ठीक है ना, सब चीज सही है। बनारस के लिए कुछ किया मोदी जी? अरे बहुत कुछ किया, अब तो आधा जनता मर जाता खाली बीमारी से, लाइन से जो बच रहा है। नहीं, बालाजी तिरुपति तक हमने गए हैं, वहाँ से देखते हुए आया। पूरा एक विकास हुआ है? हाँ। खाली मंदिर का विकास हुआ है या शहर का विकास? नहीं, नहीं, नहीं। शहर से लेकर मंदिर से लेकर रोड से लेकर सड़क तक, रोडवा पर चलबा तो पैसा न लगी साहब? हाँ बिल्कुल लगी, लगी तो आराम से चलबा है, गड़िया खूब स्पीड में बढ़ा के हाथ घोड़े चार मरा तो ताव से न चलबा। कह रहे विपक्ष कह रहे की बेरोजगारी बढ़ गई, उनके लूटे गए, लूटना है बेरोजगारी नहीं बढ़ी। नहीं
ही नहीं, महंगाई क्या है? महंगाई कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। रह गई कि लोन मोन की बात, फार्म भरे, फार्म पर नहीं आया पैसा, दौड़ धूप किए, कुछ सुनवाई नहीं। तो अलग तो ये मोदी सर के लोकसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ तो गलती है ना? तो जिसे गलती है तो किसको कहें कि गलती है? जो वोट मांगने आते हैं उनको कहिए। कैसे कहें? नहीं, हम लोग वोट मांगने कोई आते हैं? कोई नहीं आया। आते हैं या न आए, लेकिन हम लोग तो वोट उन्हीं को देंगे, एकदम तय है। काशी का तकदीर बदले हैं मोदी जी? काशी का तो विकास किए हैं, है ना। अच्छा, बनारस के गांव इलाके में भी हम अभी मौजूद हैं, तो गांव का विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है, नली गली सब बना गांव। अरे फर्स्ट क्लास का, सबको जो कि घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, पैखाना से लेकर सबको एक समान है। अब पानी का सिस्टम फैला रहे हैं, लाइन का सिस्टम दे दिए हैं, सड़क का सिस्टम दे दिए, चाहिए क्या? सब गांव में विकास हुआ, सब सही है। पानी भरा लगा अखिलेश के मुलायम सिंह के राज में, पंपी सेट से खोल दे और खेते में जात जात लाइन कट गए। हाँ। रात भर टुकुर 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 ताका पता लगल की लाइन नहीं आ। अखिलेश सरकार में से होत रही? हेलो, पूरा होत रहा, 90-100% होत रहा। अब वो तो लाइन 18 घंटा 16 घंटा 20 घंटा 24 घंटा दे रहे हैं। 2014 से पहले इस गाँव का क्या हाल था और अब क्या हाल? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सब आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी भाई देखा, लुटेरा खत्म हो गया। हर चीज खत्म करे में क्योंकि टाइम लगी, कौनो चीज एकाएक तो जाए नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल करिए। अब रागर का कि सहूलियत से जनता से बात करो तो पुलिस, आज पुलिस का दबाव बना तो कहीं, हर लोग इंसानियत के ढंग से जियत हो, डर भय खत्म हो, क्राइम खत्म हुआ, क्राइम एकदम खत्म है, कोई छिनैती कोई डकैती, आराम से आदमी चलत हो। चलिए एक और चाचा व्यस्त है अपने काम में, क्या मोदी जी कुछ आपको भी फायदा दिए? हाँ, आपको दिए बहुत फायदा वाला। हम क्या फायदा? गेहूँ चावल मिलत वाला, पेंशन मिलत बा, खेते का आवत बा। क्या बात, वृद्धा पेंशन मिले रहे आप? हाँ, गेहूँ चावल भी मिल रहा है फ्री में? हाँ, क्या बात। वोट हाँ। किसको दे रहे हैं? तो भाजपा को, भाजपा को दीजिएगा, फिर मोदी जी बनेंगे यहाँ के सांसद? हाँ, को क्या 99% उम्मीद है, पूरा 1% का है, गड़बड़ा रहा है। अब देखिए ऊपर वाले का भरोसा। एक परसेंट में आप धोखा नहीं ना दीजिएगा? सरंगिया में आएंगे अखिलेश राहुल, आपकी पारी पूरा गठबंधन था, अखिलेश सरंगी बजाएंगे ना? ये सरंगी बजाएंगे राहुल अखिलेश, अब तो सरंगिया बजाएंगे ना? कोई फायदा नहीं उनका, कोई नहीं। अब गठबंधन के बाद बचला कहा? अरे जब मायावती के, मायावती के सुना, मायावती के गठबंधन में वो नहीं जीत सकलन तो कांग्रेस का कितना उठिया, उतना तो मायावती मुसलमान खड़ा करके उतना उठिया छीन लेते, और उठिया कुल है गया। सब सरंगी बजाएंगे, सब सरंगियां बजाएंगे आपकी। चलिए, तो अखिलेश और राहुल का कुछ होना नहीं है, बनारस के लोग ये कह रहे हैं कि जीतेंगे तो मोदी ही, एक और लोग मौजूद हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र पटेल है। मोदी सरकार से हम लोग सपोर्ट में हैं, बहुत अच्छा काम इन्होंने, इम्प्रूवमेंट जो दिया है आज तक, बहुत राजनीतिक दल में प्रधानमंत्री सदियों से चले आए हैं, लेकिन जो मूवमेंट इन्होंने देश में लाया है, द नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पे, वो एक अलग इम्पोर्टेंस देता है, जो लोगों के दिलो दिमाग में वाकई में बैठा हुआ है ये चीजें, जो रियल चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर जैसे जो अपना ये राम जन्मभूमि की लड़ाई चल रही थी, और ऐसे तमाम कुछ कश्मीर, राम जन्मभूमि की लड़ाई में मोदी जी ने क्या किया? वो तो कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट में फैसला उन्हीं के प्रयासों के द्वारा दिया। मोदी जी बैठे तब फैसला वापस, मैंने ये आप मानते हैं कि कोर्ट कचहरी मोदी जी को देख के चल रहा है? चल नहीं रहा, उनके आधार पर, जो कि उनके प्रयास से, हर जनता के आधार से लेकर के वो उतना अपने बल को दिखाए कि हम, जैसे एक लैंग्वेज कहा जाता है ना, ओनली फॉर योर एफर्ट्स, मतलब उनके प्रयासों के द्वारा यह संभव हुआ है कि उन्होंने इतनी बड़ी वो चीज एक अलग पारदर्शिता कर दी। शायद यही एक चीज है जो एजुकेशन पर्सन व्यक्ति हो या गाँव घर के अंचल के व्यक्ति हो, सब लोग यही जान रहा है कि उन्होंने एक अलग हर चीज मतलब दिखाई है करके, बाकी तो लोग बात करके क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये है। सर एक चीज और मैं गाइड करूंगा, अगर ये चीजें आगे जा रही हैं
तो एक सहारा कंपनी थी जो इंडिया लेवल पे या कहीं भी मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहा था, जिसके रिगार्डिंग ग्रामीण अंचल के गरीब दुखियाल जन लोग जो हैं अपने पैसे को जमा किया, इसलिए कि यह कंपनी हमको एक मुश्त पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके देगी। लेकिन यह कुछ सालों से ऐसा इसमें लक्षण दिक्कत आ गए हैं जिसके वजह से पैसे का भुगतान होना बंद हो गया है, रीजन सो एंड सो जो भी हो। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मोदी सरकार में अगर ऐसा कुछ प्रावधान है चुनाव होने के बाद भी, तो यह पैसा गरीब दुखियों का उनके द्वारा पास हो जाए तो यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। कारण कि सहारा, अमित शाह ने तो कहा था कि सहारा का पैसा रिटर्न मिलेगा, अमित शाह के द्वारा जो कहा गया था पोर्टल पे एक बार अपडेट करने के लिए। आप आदिल जी आ रहे हैं, थोड़ा गाड़ी में दिक्कत आ रही है, 10 मिनट में ऑफिस पहुंच रहे हैं। मैं ये बोल रहा था कि ये जो सहारा इंडिया परिवार है इसमें काफी गरीब लोग पैसा वो सुन लिए, अमित शाह ने कहा तक पैसा रिटर्न होगा। ये इन्होंने पोर्टल पे एक बार अपडेटेड किया था तो इन्होंने इसमें लिखा था, पेपर में हमने पढ़ा था कि जुलाई से लेकर के मेंशन करना है और दिसंबर 2023 तक फाइनल हो जाएगा पैसा किसी भी स्तर पे। लेकिन 5-6 महीनों के दौरान में जितने भी हम भी उसमें लगाए थे अपना भी डॉक्यूमेंट और सभी लोग लगाए थे, इधर मेरे जानकारी में किसी का पैसा आया नहीं। अब रीजन सबके पे मोबाइल पे मैसेज यही आया था, योर डिफिशियंसी अकाउंट डिफिशियंसी और अकाउंट डिफिशियंसी सब पे सेम आ रहा था। तो एजेंटों से कहने पर यह पता चला, या ऑफिस पे पता करने पर यह पता चला कि यह वहाँ से टेक्निकल इरर है जो आगे चल के फिर सही हो जाएगा और भुगतान जब वहाँ से अलाउ होगा तो होने लगेगा। तो ये चीज़ एक सस्पेंस में रह गया, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया, ये सरकार को करनी चाहिए। देखिए लोगों की ये मांग है कि जो सहारा में जिसका पैसा फंसा है, खासकर के गरीब तबके का लोगों का ज्यादा पैसा फंसा है, तो पैसा मिलना चाहिए। हालांकि इसके लिए भी केंद्र सरकार जो है वो काम कर रही है, अमित शाह का बयान आया था कि सहारा में जिसका पैसा डूबा है वो सबको वापस मिलेगा। यहां ये कह रहे हैं कि इस इलाके में नहीं मिला, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कुछ लोगों को बिहार में कुछ पैसा वापस आया, लेकिन सभी लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। तो सरकार निश्चित तौर पर इस पर विचार करे और जिनका पैसा डूबा है उनको निश्चित तौर पर पैसा दे। हम लोकसभा क्षेत्र बनारस में है और यहां से मोदी जी एक बार फिर से जो है वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत ये लोग कह रहे हैं कि पक्की है। धन्यवाद। जेके न्यूज 24 के लिए मैं समर राठौर बनारस से।